बताता हूँ आपको नहीं, नहीं। तो वी आई पी इंडस्ट्रीज में एक बार सक्सेशन प्लान हो रहा था तो वहाँ पर एक काफ़ी सीनियर एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं छोड़ देता हूँ और उन्होंने फिर स्टार्ट की सफारी और अगर दोनों स्टॉक्स देखें आप आज के डेट में सफारी का मार्केट कैप वी आई पी से भी ऊपर हो गया वी आई पी ने भी मतलब ठीक ठाक रिटर्न दिए ऐसा नहीं कि वी आई पी ने ठीक रिटर्न नहीं दिया लेकिन अगर आप सफारी के रिटर्न देखेंगे ना तो वो वी आई पी के मुकाबले इतने ज़्यादा हैं अगर हो हमारे पास चार्ट ना तो दोनों का दिखा दीजिए पाँच साल का चार्ट दिखा दीजिए वैसे तो और मार्केट के आप देख रहा था मैं दोनों का ये शायद ये हो सकता है कि विजय जी ने इस चक्कर में लिया हो कि हाँ देखिए ये सफारी का पाँच साल का चार्ट है सेवन हंड्रेड थर्टी परसेंट और वीआईपी का पाँच साल का चार्ट देखते हैं ये क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा ग्यारह परसेंट सेम स्पेस में दोनों के लगेज बैग्स आप मॉल जाते होंगे इन दोनों के ही देखते होंगे आजू बाजू आजू बाजू ठीक है ना और एक सेवन हंड्रेड परसेंट का रिटर्न दिया है एक ने ग्यारह परसेंट का रिटर्न दिया पाँच साल में तो क्या ये केड़िया सर की ये थिंकिंग या थाट प्रोसेस है कि अब ये टर्न अराउंड कर रहा है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन ये पिक्चर में ना बहुत क्या शानदार स्टोरी छुपी है मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी और ये देखिए मतलब क्या शान ऐसी स्टोरी हुई थी जब मुरली डी वो डॉक्टर रेड्डी से निकलकर उन्होंने डीवीज लैब्स शुरुआत की थी और उसके बाद डीवीज लैब्स फार्मा में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बना था और एक दिन आया था जब उसने डॉक्टर रेड्डीज के मार्केट कैप को क्रॉस किया था तो ये काफी कई इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है मार्केट में इंटरेस्टिंग